आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बाराबंकी जिले के दरियाबाद में भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव ने 25 नवंबर को अयोध्या चलने के लिए क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रामलला हमारे पूर्वज हैं। अधिक से अधिक संख्या में दरियाबाद और बाराबंकी की जनता अयोध्या पहुंचे। अवधेश श्रीवास्तव ने कहा कि हम अपने बच्चों को कब तक यह बताते रहेंगे कि रामलला आखिर क्यों त्रिपाल में है। उपस्थित उमेश चंद्र जैन, मंडल उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दरियाबाद विधानसभा के पूज्य राम भक्तों, आदरणीय राम भक्तों, बहुत ही खुशी होती है कि वास्तव में जिस अभियान के लिए, जिस आंदोलन के लिए, जिन राम के लिए, जिन पूज्य राम के लिए हमारी पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया, आज उस पीढ़ियों के श्रद्धांजलि देते हुए हम सब आज महान त्रिवेंद्रनाथ पूज्य रामचंद्र परमहंस जी, पूज्य अशोक सिंघल जी जैसे तमाम तपस्वी पूज्य साधु संतों नेताओं के आशीर्वचन से हम तो पुनः सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते करते हिंदू आम जनमानस थक गया। इससे यह एहसास होने लगा कि पुनः इस देश की संसद को, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को हिंदू जनमानस अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए विशाल धर्म संसद में पहुँचने लेके आतुर है। और अयोध्या की धरती से मुझे विश्वास है कि दरियाबाद के और बाराबंकी जनपद के गए हुए कार सेवकों राम भक्तों द्वारा ये संदेश जोरदार धमक दिल्ली की संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी कि अगर अतिशीघ्र चाहे अध्यादेश चाहे कानूनी न्याय से जल्दी से जल्दी अगर निर्णय नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनहोनी होने से इस देश को कोई रोक नहीं सकता। हम कब तक अपने दादा पुरखों से लेकर अपने बच्चों तक जवाब देते रहेंगे कि आखिर राम का मंदिर कब बनेगा? राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम जन जन में हैं, राम कण कण में हैं, राम पशु पक्षियों में हैं, राम पौधों में हैं, राम हिंदुस्तान के, राम इस धरती के, इस वैश्विक कुटुंबों के आबो हवा में हैं। राम के बिना जनमानस को का जीवन मिलना असंभव है। राम के बिना